झारखंड राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव का मानना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में तभी ताकत आएगी जब पार्टी के नेता जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात करेंगे। जयप्रकाश यादव एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार रांची आए हैं। उनसे बात की सहयोगी जलाल ने। राजद के वरिष्ठ नेता और झारखंड राजद के प्रभारी जयप्रकाश यादव एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची में है। मकसद यही कि पार्टी को लगातार मजबूती दी जाए। सर, लगातार ये बहुत कम दिनों के बीच ऐसा मौका है जब दोबारा आप रांची आए, क्या लग रहा है पार्टी में कितनी फुर्ती आप देख पा रहे हैं? झारखंड प्रदेश में अभी फिलहाल राज्य कार्यकारिणी की गहन बैठक हुई थी और उसमें समीक्षा किया गया था और दौरा कार्यक्रम भी जिलों का लगेगा तय हुआ था। आज आने का मकसद है कि झारखंड प्रदेश में 3 दिवसीय दौरा कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया और इस दौरा कार्यक्रम को हम बोकारो होते हुए धनबाद देवघर 3 दिनों का कार्यक्रम तय किया गया है कि सदस्यता अभियान की क्या स्थिति है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो राष्ट्रीय सवाल हैं, जो ज्वलंत सवाल है, उन मुद्दों पर झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा है, लड़ने का काम करता रहा है। वह सवाल जो है किसानों से जुड़ा हुआ रहा है और आज भी उस लड़ाई में हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा बिहार में भी ले रहे हैं और झारखंड में भी लेंगे। यहाँ आज सीएम से भी मुलाकात आप करेंगे संभवतः, यदि जो है सीएम साहब को अभी असेंबली का भी कुछ कार्यक्रम चलते रहता है, अगर मौका मिलेगा और व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकलेगा तो एक ऐसे औपचारिक मुलाकात करेंगे। प्रभारी को देखकर कितनी खुशी होती है, कितनी फुर्ती मिलती है आप लोगों को? देखिए, जो प्रभारी महोदय हैं हमारे माननीय जयप्रकाश नारायण यादव जी, वो हमारे गार्जियन है और हम लोग झारखंड में जो काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तो और गार्जियन का हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है तो हम लोग को बहुत बड़ी खुशी मिलती है और हम लोग को जरूर अंदर से हौसला है बुलंद है और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को एक ऊंचाइयों तक झारखंड में इनके नेतृत्व में लेके जाएंगे हम लोग। ये तमाम जयप्रकाश यादव रांची पहुंचे हैं और तमाम लगातार बैठक होगी और उसके बाद आरजेडी को ताकत भी मिल पाएगी। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची केंद्रीय।